मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे, पर उससे पहले ज्योतिषी पंडित अरविंद तिवारी ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। पंडित अरविंद तिवारी की भविष्यवाणी के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। पर इसके साथ ही पंडित तिवारी ने वो समय भी बता दिया जब कमलनाथ सरकार पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराएगा, और अगर सही समय पर सही उपाय नहीं किए गए तो फिर से कमलनाथ सरकार गिर जाएगी। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया है। वोटिंग परसेंटेज पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा रहा। चुनाव के बाद गली चौराहों पर इसी बात की चर्चा है कि आखिर मध्य प्रदेश में किस दल की सरकार बनने जा रही है। सभी दलों के अपने अपने जीत के दावे हैं। इसी बीच पंडित अरविंद तिवारी ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। दखल न्यूज के महासंग्राम में ज्योतिष पंडित अरविंद तिवारी बोले, कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में कम से कम 120 सीट मिलने जा रही है। पंडित अरविंद तिवारी की भविष्यवाणी को सुन एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, तो वहीं भाजपा के बीच निराशा छा गई है। अगर पंडित अरविंद तिवारी की यह भविष्यवाणी सही निकलती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीएम आवास छोड़ना होगा और वहां एक बार फिर कमलनाथ का निवास होगा। ज्योतिष के अनुसार मेरा मानना है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 3 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उसके बाद कभी भी माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अभी 3 तारीख के बाद यदि कोई पार्टी सत्ता पर पहुंचेगी तो निसंदेह कांग्रेस पार्टी होगी, और कांग्रेस बहुत अच्छे 117 तो मैंने प्रेडिक्ट किया है, मुझे लगता है कि 120 के आसपास कांग्रेस की सीटें आना चाहिए। पंडित अरविंद तिवारी अपनी भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं। ग्रहों की दशा और कुंडली देख पंडित अरविंद तिवारी बता देते हैं कि भविष्य की गर्त में क्या है। चुनाव नतीजे आने से पहले पंडित तिवारी ने वो भविष्यवाणी कर दी है जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। पंडित तिवारी ने कहा कि पहला मई 2024 और दूसरा जब कमलनाथ सरकार को 18 महीने पूरे होंगे, ये दो समय ऐसे हैं जब कांग्रेस की सरकार पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराएगा, और अगर सही उपाय नहीं किए गए तो कमलनाथ सरकार का वही हाल होगा जो साल 2020 में हुआ था। इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस में फिर कोई बड़ी टूट होने की आशंका है। मतलब साफ है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो बनने जा रही है, पर यह सरकार कब तक चलेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। तो क्या सरकार कमलनाथ जी की बनती है तो लंबी चल पाएगी? नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूं कि देखिए 18 महीने का केतु है, और केतु जब वापस सिंह राशि में पहुंचेगा वहां पे वो कमलनाथ जी को दिक्कत जरूर देगा। केतु कभी भी जातक को स्थायी नहीं होने देता। माने हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 18 महीने बाद कमलनाथ जी की सरकार के सामने संकट आ जाएगा? बिल्कुल, मैं तो बल्कि उससे भी पहले कहूंगा कि हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद ही संकट, या लोकसभा चुनाव के आसपास ही सरकार को संकट दिखाई देने लगे। तो इसमें दो राय नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, देखिए चुनाव किस तारीख को हुए हैं, 17 तारीख को। 17 तारीख की कुंडली आप देख लीजिए, 17 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बने चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। कांग्रेस की कुंडली से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चौथे भाव का नक्षत्र कहलाता है, यानी वो हस्त नक्षत्र के में बनी हुई कुंडली है। यानी आप उसको मोटा मोटा ऐसे मान लें कि कन्या राशि से जो 6 नंबर की राशि है उससे धनु राशि चौथी होती है। चौथा भाव हमेशा माना जाता है सुख में कमी लाने वाला भाव। अच्छा, जिस तारीख को रिजल्ट खुलेंगे उस तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा पूरे दिन। पुनर्वसु नक्षत्र का तात्पर्य होता है कि बार बार बसना, माने स्थायित्व नहीं होता, पुनर्वसु बार बार बसना। तो पुनर्वसना माने फिर सरकार गिरेगी, फिर सरकार बनेगी, टूटेगी। हाँ, मैंने इतना जरूर कहा कि भाई कमलनाथ जी मेरे से पूछते हैं कि भाई 5 साल सरकार चलेगी, तो मैं ऐसा माहौल बता सकता हूँ कि उनकी सरकार स्थायित्व को प्राप्त करेगी और वो 5 साल तक जरूर चलेगी। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि दूध का जला कहते हैं कि छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। एक बार उनकी सरकार जा चुकी है 15 महीने, इस बार ज्यादा से ज्यादा 18 महीने आपके गणित के हिसाब से समझे तो। देखिए उसमें बस इतना है कि उनकी कुंडली के हिसाब से मैं कुछ ऐसे लग्न और ऐसे मुहूर्त को बता सकता हूँ कि जिसमें यदि वो शपथ लेते हैं या उस चौघड़िया में वो शपथ लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो स्थायित्व वाली सरकार होगी। हालांकि पिछली बार भी वो शपथ ले रहे थे तो निसंदेह किसी ना किसी ज्योतिषी से जरूर उन्होंने सलाह ली होगी, पर मुझे लगता है कि वो शायद उतना ज्ञान नहीं रखते जितना शायद मेरे पास है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई परम ज्ञानी हूँ, लेकिन मेरे को वो ज्ञान है कि वो कैसे अपनी सरकार को स्थायी बना सकते हैं। मैं वो मुहूर्त बता सकता हूँ, मैं वो तारीख बता सकता हूँ, मैं वो लग्न चौघड़िया बता सकता हूँ,
यदि माननीय कमलनाथ जी उस शपथ उसमें शपथ लेते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 18 महीने का विषम योग उनकी कुंडली में बना हुआ है वो टूटेगा और वो पूरे 5 साल सरकार चलेगी। अच्छा, इस आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।